तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक कॉन्सेप्ट विद मयंक सर। मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं, हमारा जो हमने आप सभी को ये क्वेश्चन दिया था आप सभी को सॉल्व करने के लिए, जो कि हमारा सिंप्लीफाई था, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना था इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आज हम उसी को सॉल्व करने वाले हैं और आपका आंसर देखते हैं भाई, आपका आंसर क्या आता है। आप मेरे आंसर से आप मैच करिए और बताइए, अगर आपका आंसर गलत है तो उसमें सुधार करिए, ठीक है। तो भाई देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो इसका आंसर इसमें क्या लिखा हुआ है, 4 + 4 का आधा, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या किया होगा, मैं सिंपली ऐसे ही बता देता हूँ आप लोगों का आंसर, आपने कैसे इसको सॉल्व किया होगा। तो भाई आप लोगों ने इसका 4 + 4 का आधा, भाई ये तो सिंपल ही है ना, 4 + 4 होता है 8, ठीक है। अब इसका जो है हम आधा अगर कर देंगे तो 4 आ जाता है, ठीक है। आपका आंसर भी शायद ही हमारे ख्याल से 4 आया होगा, ठीक है। तो जिन बच्चों का 4 आया है वो बिल्कुल ही गलत हैं, ठीक है। अब भाई इस क्वेश्चन के हिसाब से आप लोगों ने देखा 4 + 4 8 होता है, 8 का आधा जैसे लिखा हुआ है मैंने, इसको आप लोगों ने गुणा कर दिया होगा और आधा निकाल दिया, भाई इसका 4 आंसर आया। तो भाई वो मैंने रॉन्ग क्यों कहा, अब आप मेरे नज़रिए से देखिए इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। तो भाई ये हमारा सॉल्व होने वाला है सिंप्लीफिकेशन के मेथड से, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन मतलब बॉड मॉस के मेथड से, तो ये हमारा सॉल्व होने वाला है बॉड मॉस के मेथड से, ठीक है। बदमाश जो रूल होता है उस मेथड से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो भाई ये जो हमारा रूल होता है, जिन भी बच्चों को ये नहीं पता है वो हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के मैथमेटिक्स की आप चेक कर सकते हैं, बॉड मॉस का रूल बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया हुआ है। और आज हम बात कर लेते हैं उसी का, ये यूज़ है इसी में, ये जो क्वेश्चन है ये IIT में पूछा गया है, ठीक है, ये IIT का क्वेश्चन है भाई। तो बात कर लेते हैं अपने इस क्वेश्चन की। तो भाई 4 + 4 जैसे लिखा है मैं वैसे इसको लिखे लेता हूँ, ठीक है, 4 + 4। अब भाई यहाँ पर का को हम क्या लिख सकते हैं, का मतलब ऑफ, ठीक है, ऑफ का मतलब हो गया गुणा, तो भाई का आधा, ओके। तो भाई अब हम इसको सॉल्व करते हैं बदमाश के नियम से, ठीक है। तो बॉडमॉस का रूल हमारा ये कहता है कि हमारा मल्टीप्लिकेशन अगर आ रहा है तो आपको मल्टीप्लिकेशन पहले करना है। तो भाई मैं मल्टीप्लिकेशन इसका पहले कर देता हूँ, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2 + 4, तो भैया हमारा आंसर आ चुका है 6। 4 कहाँ आया, 4 तो आया ही नहीं, ये तो 6 आ चुका मेरा। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए अगर आप उत्सुक रहते हैं तो भाई मैं अपने चैनल पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप सभी के लिए लाता रहूँगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच सके।